ये शाम एक यादगार शाम है हमारे लिए, लुधियाना ने हमें इतना प्यार दिया, क्या कहने। दुआई दोस्तों, जोरदार तालियां हो जाए इस बीट के लिए, हर्षित के लिए, और उससे भी जोरदार तालियां, सुरीली तालियां अलका जी के लिए। यह देखा मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो, हो। मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, अब डरना भी क्या हो, हो। अलका जी को तो इतने सालों से आप सबका इतना मोहब्बत मिला है, और साथ साथ ये ड्यूएट है अलका जी और अभिजीत दा का फिल्म बादशाह का, और आज ऑफ कोर्स वी ऑल मिस अभिजीत दा, लेकिन दोनों ने क्या कमाल किया, स्मित और हर्षित ने कमाल का गाया, और इन्हें भी बहुत सारा मोहब्बत बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप सबका। सबसे पहले अलका जी से ही पूछते हैं, अलका जी कैसा रहा परफॉर्मेंस, और अगर आपको पूछा जाए कि आपके साथ ड्यूएट किसने और अच्छा गाया, और काफी क्या ये है? इश्मीत के बाद हर्षित, हर्षित के बाद इश्मीत, कभी दोनों साथ कभी दोनों एक के बाद एक, ये वाकई में भूल भुलैया है और इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। ये बार बार मुझसे ना ही पूछे तो अच्छा, ये जनता से ही पूछेंगे। और मैं यहाँ जो लोग खड़े हैं, सबसे पहले आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इन दोनों पर बरसाया है, और आपसे विनती करूँगी हाथ जोड़कर, प्लीज़ इश्मीत हर्षित दोनों को खूब जमकर खूब जी भर के वोट करिए, खूब सारे वोट दीजिए, जितना प्यार आपका मिल सके इनके लिए कम है। तो बहुत दोनों बहुत अच्छा गाते हैं, एक से बढ़कर एक हैं दोनों, और गिनती यही है कि प्लीज़ जी भर के वोट दें। इश्मीत तो आपका बेटा है ही, हर्षित भी कोई कम नहीं है, हर्षित इश्मीत का भाई है, तो इस तरह से ये भी आपका ही बेटा हुआ, ये दोनों लुधियाने के हैं यूँ समझ लीजिए, और खूब जम के वोट दीजिए। लेकिन अब दोस्तों अलका जी ने तो बड़े ही प्यार से और सुरीले अंदाज से बात को टाल दी, अब जतन जी आप ही बताएं, आज दोनों ने जम के परफॉर्मेंसेस दी, लेकिन आपके मन में कोई और थोड़ा सा ज्यादा उतर गया होगा? अलका जी के साथ जो इन दोनों ने गाया, इस तरह गाया कि जैसे मुझे कुछ पल को ऐसा लगा कि अभिजीत जी भी यहाँ मौजूद हैं, और
इतना खूबसूरत माहौल और इतना खूबसूरत गाया इन लोगों ने कि कोई नतीजा इस वक्त सोचना और नतीजे पे पहुंचना बहुत बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूं कि ललित जी और आदेश जी जब बनारस पहुंचेंगे तो वहां शायद कोई पॉजिटिव नतीजा निकल सके, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि दोनों बहुत अच्छा गा रहे हैं, बहुत अच्छा, इतनी इतना इनका मूड और इतना अच्छा एनर्जी लेवल और इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें इतनी अच्छी हुई हैं कि इसमें कोई नतीजा एक के लिए निकालना बहुत बहुत मुश्किल है। ये सवाल का जवाब सचमुच बहुत ही मुश्किल है देना, और लेकिन जतन जी ने ये भी कहा है कि हम जब कल फिर एक बार उन्हें सुनेंगे बनारस में, जहाँ अग्नि के आदेश जी और ललित जी भी हमारे साथ रहेंगे, एंड ऑफकोर्स अलका जी हम सब रहेंगे, तब देखते हैं कि क्या होता है, कौन इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखेगा वहां बनारस में। तो बस आप इश्मीत और हर्षित पर अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जमाए रहिए, आप उनके लिए ढेर सारे वोट देते रहिए। आज हम यहां लुधियाना में हैं, कल होंगे आपके सामने बनारस से, और फिर अगले सप्ताह मुंबई में जहां होगा वॉइस ऑफ इंडिया को फाइनल फाइनल फिनाले। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आपसे विदा हो जाए, हम चाहते हैं कि आपकी आवाज पूरी दुनिया